the day when I start working on YouTube, that time I was very energetic. उस टाइम पे मैंने एक चैनल ओपन किया, उसका नाम था क्वार्क विजन ऑफ रोबोटिक्स। आई थिंक ये बात होगी मेरी फर्स्ट ईयर की, व्हेन आई वाज इन डिप्लोमा फर्स्ट ईयर। तो मुझे लगा कि यार मैं एक चैनल पे काम कर सकता हूँ, उस चैनल का मैंने नाम रखा क्वार्क विजन ऑफ रोबोटिक्स। उस चैनल का मेरा मोटो था उस चैनल का कि मेरे को सारी रोबोट से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज है, मेरे को प्रोग्रामिंग्स हो गया, हाउ कैन वी मेक द रोबोट्स, कैसे हम रोबोट पे वर्क कर सकते हैं, ये मेरा मोटो था कि सारी इससे रिलेटेड नॉलेज रोबोट से मेरे को उसमें अपलोड करनी है। और मैंने उस चैनल पर काम करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद होता क्या है कि मैंने फर्स्ट वीडियो उसमें अपलोड करी। फर्स्ट वीडियो मेरी थी कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ रोबोटिक्स और हम एक रोबोट पे कैसे काम कर सकते हैं। पहली वीडियो मैंने रेडी करी इस टॉपिक पर। उसके बाद मैंने लगातार वीडियो स्टेप बाय स्टेप रेडी करता रहा। लगातार मेरे को हो गया 50 वीडियोस मैंने अपलोड करी। मैं क्या करता था, एक वीडियो मैंने आज शूटअप करी, उसके बाद फिर मैंने दो दिन बाद उसको अपलोड कर दिया। तो उसके बाद लगातार मैं अपनी वीडियोस अपलोड करता गया। लगातार मैंने 60 वीडियो अपलोड करी। 6 महीने मैंने लगातार काम किया उस चैनल पर। उस चैनल का मेरा नाम था क्वार्क विजन ऑफ रोबोटिक्स। तो यार जितना मैं इसमें मेहनत कर रहा था उस चैनल पर, उतना मेरे को आउटपुट नहीं मिल रहा था। मतलब मैंने पूरी मेहनत करी, पूरा थंबनेल अच्छी तरह रेडी किया, सारा जो भी इसमें मेरे को लगा कि ये नॉलेज मेरे को प्रोवाइड करानी चाहिए उस चैनल पर, सारी मैंने प्रोवाइड कराई, तो मेरे को उतनी ऑडियंस, उतनी रीच नहीं मिली। लगभग मेरे, मुझे याद है कि मेरे 500 के करीब मेरे उसमें सब्सक्राइबर हो चुके थे। बट उसके बाद फिर मुझे लगा नहीं, मुझे और काम करना चाहिए, शायद थोड़ी सी मेहनत करके मुझे उसका अच्छा आउटपुट मिल जाए। फिर मैंने काम करना स्टार्ट किया। लगभग मेरे को हो चुके थे इसमें 10 मंथ्स, और वीडियो तकरीबन 80 वीडियोज़ में इसमें अपलोड कर चुका था। अब 80 वीडियोज़ अपलोड करने के बाद भी आउटपुट 0। फिर मेरे को जो मेरे क्लासमेट थे, मैंने सबको बताया यार मेरा एक यूट्यूब चैनल है, तो सब ने मेरे को सजेस्ट किया यार जो तेरा नेम है ना यूट्यूब चैनल का, क्वार्क विजन ऑफ रोबोटिक्स, ये थोड़ा ना यार एक लॉन्ग है, सर्चेबल नहीं है। अगर कोई सर्च कर रहा है तो सर्च करने में यार उसको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि क्वार्क विजन ऑफ रोबोटिक्स एक लॉन्ग टर्म नेम है। अगर आप कोई सर्च कर यार, तू कोई ऐसा नेम सर्च कर तो छोटा सा और इजीली लोग उसको सर्च कर सकें। उसके बाद मुझे लगा यार कहीं ना कहीं तो सही कह रहे हैं, क्योंकि वो ऑडियंस है यार, मेरी वीडियो देख रहे हैं, एज अ ऑडियंस मेरी वीडियो मेरे चैनल पे वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो मेरी ऑडियंस है। तो मेरे को लगा यार कहीं ना कहीं मेरे को चेंज करना चाहिए। उसके बाद मैंने अपने चैनल का नाम रखा रोबोटिक्स आशीष सैनी। अब यार फिर मेरे को वही प्रॉब्लम आई। अब वीडियो हो चुकी थी 100, मतलब 100 वीडियो में अपलोड कर चुका था, और भाई इतनी मेहनत मैंने इसमें करी थी बहुत ज़्यादा, मतलब अपना मैंने पूरा बेस्ट दिया था हर एक वीडियो में। तो यार मेरी वीडियोस पर, मतलब 100 वीडियो में अपलोड कर चुका था, पर मेरे को रिजल्ट इतना अच्छा नहीं मिल रहा था जो मेरे को चाहिए था। नियर अबाउट 600 मेरे को सब्सक्राइबर हो चुके थे उस टाइम मेरे चैनल पर। तो यार ये बात है 2019 की, मतलब उस टाइम मेरा मैं सेकंड ईयर में था, डिप्लोमा सेकंड ईयर में। तो मैं, मतलब ये कह सकते हैं कि जज्बा तो वही था यूट्यूब पे काम करने का, बट आउटपुट मेरे को वो नहीं मिला था। उसके बाद मुझे लगा कहीं ना कहीं यार कहीं ना कहीं तो मिस्टेक्स कर रहा हूँ, क्योंकि टेक्निकल फैक्टर भी मैटर करता है। अगर आप एक यूट्यूब चैनल पर काम कर रहे हो, मतलब डिस्क्रिप्शन होगा, टैक्स होगा, बहुत सारी ऐसी, मतलब उससे रिलेटेड मैं बात नहीं करूँगा इस वीडियो में क्या टेक्निकल फैक्टर्स रहते हैं, बट मुझे लगा कहीं ना कहीं वो मेरी चीज़ वीक है, मैं इस पर सही से काम नहीं कर पा रहा हूँ। तो 100 वीडियो मेरी अपलोड हो चुकी थी, उसके बाद मुझे अपना चैनल बंद करना पड़ा। बंद क्या करना पड़ा, मेरे चैनल बिल्कुल फ्रीज हो चुका था। जो भी मैं वीडियो अपलोड करता था उस पर नियर अबाउट मेरे को 30 व्यूज़ 40 व्यूज़ इस तरीके से मिलते थे। तो फिर पहले मेरे चैनल का नाम था क्वार्क विजन ऑफ रोबोटिक्स, फिर सेकंड बारी हुआ रोबोटिक्स आशीष सैनी, थर्ड बारी मैंने सोचता यार अब की बारी चेंज करके देखता हूँ, क्या पता चैनल अच्छा चल जाए। थर्ड बारी मैंने अपना नेम रखा चैनल का, दैट इज़ आशीष सैनी। फिर उसके बाद अगर उस टाइम पर तो मेरे 10 और 20 व्यूज़ आ भी जाते थे जब मेरा चैनल का नाम था रोबोटिक्स आशीष सैनी। अब जब हम चैनल का नाम चेंज करते हैं कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है हमारी ऑडियंस पर। अब मेरे चैनल के व्यूज़, मेरे वीडियोस पर व्यूज़ आते थे 5 और 6, मतलब और कम हो गए। मेहनत मतलब डबल कर रहा हूँ और व्यूज़ वगैरह कम आ रहे हैं, कोई देख ही नहीं रहा है, तो उस चीज़ का फ़ायदा क्या था। तो यार मैंने मतलब बिल्कुल गिव अप कर दिया, मुझे लगा यार मैं अच्छा एक यूट्यूबर नहीं बन सकता, मैं यूट्यूब पर काम नहीं कर सकता हूँ, मैंने बिल्कुल छोड़ दिया यूट्यूब पर काम करना। तो फिर बीच में मतलब मेरा डिप्लोमा कम्प्लीट हुआ, मतलब थर्ड ईयर मेरा कम्प्लीट हुआ, कंप्यूटर साइंस से मैं डिप्लोमा कर रहा था, तो टेक्निकल नॉलेज काफ़ी थी, लेकिन एक यूट्यूब पर कैसे काम करते हैं वो चीज़ मेरे को नहीं पता थी। उसके बाद एक मेरे सर थे कॉलेज में, तो उनका व्लॉगिंग चैनल था, वो व्लॉगिंग करते थे, तो मेरे को पता नहीं था व्लॉगिंग के बारे में। मेरे को पता था कि हम जो चैनल पे काम कर रहे हैं, अपने यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, वो टेक्निकल है, मतलब 2-3 मेरे को कैटेगरी पता थी, बट व्लॉगिंग का नहीं पता था। तो एक दिन हुआ क्या, वो ग्राउंड में खड़े हुए थे और उनके हाथ में कैमरा था, उस कैमरे में वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। तो मुझे लगा यार ये क्या चीज़ है, सोचता रहा मैंने कहा ये
पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि यार मैं पूछ सकता कि यार ये हो क्या रहा है एग्जैक्टली, तो मैं बस देखता रहा। उसके बाद वो सर मेरे साथ बस में जाते थे, मतलब घर तक मेरे साथ बस में जाते थे, जो हमारी कॉलेज की बस थी। तो एक दिन वो वीडियो एडिट कर रहे थे, तो अपने लैपटॉप में वीडियो एडिट कर रहे थे। मैंने पूछा कि सर ये क्या चीज़ है, मतलब आप क्या कर रहे हो ये? तो फिर उन्होंने मेरे को बताया कि यार मेरा एक यूट्यूब चैनल है, उसमें व्लॉगिंग करता हूँ। मैंने कहा सर ये व्लॉगिंग क्या होता है? तो उन्होंने कहा यार व्लॉग्स होते हैं जैसे कि एक हमारे ब्लॉग्स होते हैं जो हम लिखते हैं, कंटेंट रेडी करते हैं, सेम एज इट इज़ वही कंटेंट हम वीडियो के थ्रू दिखाते हैं, उसे व्लॉग बोलते हैं। कहीं पे हम जा रहे हैं, फिर हम घूमने कुछ भी हम कर रहे हैं, मतलब कोई भी हमारा एक्सपीरियंस है, तो हम थ्रू दी हेल्प ऑफ व्लॉग्स हम उसको शो कर सकते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, ये भी सही है। तो अब मैंने यूट्यूब पर तो काम किया हुआ था, अब एक साल का गैप हो गया था बीच में यूट्यूब का, सारी वीडियोज़ मैंने कोई हटा दी थी, मतलब रिमूव कर दी थी अपने चैनल से, कोई वीडियोज़ में अपलोडेड थी। तो कभी कभार आज 5-6 व्यूज़ आते रहते हैं मेरी वीडियोस पर, बट इतनी अच्छी रीच नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा अब क्या करना चाहिए मेरे को। तो उस दौरान क्या हुआ कि मेरे को कुछ थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम हो गई, तो जिसके चलते मेरे ना मतलब एक हेयर फॉल की प्रॉब्लम मेरे को बढ़ती गई, मतलब मेरे हेयर फॉल हो रहा था, मतलब बाल मतलब बहुत बेकारी तरीके से गिर रहे थे, और मेरे को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो गई। मैं जिम जाता था, जिम मैंने छोड़ दिया क्योंकि मेरा वेट लूज़ हो रहा था, मतलब मेरे को कहीं ना कहीं इंडाइजेशन की प्रॉब्लम थी। तो बहुत सारी प्रॉब्लम मेरी मतलब बॉडी में बननी स्टार्ट हो गई। यूट्यूब तो मेरा कहीं ना कहीं हट चुका था, और मेरा इंटरेस्ट रोबोटिक्स के अंदर मतलब बचपन से मेरा इंटरेस्ट रोबोटिक्स के अंदर रहा है। तो 6th-7th क्लास में मैंने फर्स्ट रोबोट अपना रेडी किया था, उसमें मेरे को अचीवमेंट्स भी काफ़ी मिली। तो मतलब स्टार्टिंग से लेकर मेरे अब तक एक रोबोट में इंटरेस्ट रहा है, मतलब मैंने अपने लेवल से उठ के काम किया है रोबोटिक्स पे। तो मेरे को कहीं ना कहीं लगता था कि आई कैन गिव माई बेस्ट और माई रोबोटिक्स फील्ड, मैं अपने रोबोटिक्स में बेस्ट कर सकता हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने बताया कि अभी कि मेरे को थोड़ी हेल्थ वाइज प्रॉब्लम हो, हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, मेरे को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं डॉक्टर पे विजिट करता हूँ। मैंने उनको बताया कि मेरे को डाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है और मेरे हेयर भी फॉल हो रहे हैं। तो मेरे हेयर फॉल हो रहा है, तो मैंने डॉक्टर से बोला कि यार सर जो मेरे साथ हो रहा है कि मेरे इंडाइजेशन में प्रॉब्लम है, ओवरऑल बॉडी में प्रॉब्लम है, मेरा वेट कम हो रहा है, उसके साथ साथ मेरा हेयर फॉल भी हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि यार हेयर फॉल एक अलग चीज़ है, सबसे पहले आप अपनी बॉडी पे ध्यान दीजिए, आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है। बिना हेयर को तो आप रह सकते हो, बट बिना आप अपनी एक अच्छी हेल्थ के नहीं रह सकते हो। तो कहीं ना कहीं वो बात मेरे को ट्रिक करी, मेरे को लगा यार कि जो चीज़ मतलब, क्योंकि एक होता है ना किसी चीज़ से हम अपनी लाइफ में प्यार करते हैं, तो वो चीज़ मेरी हेयर थी। मैं अपने हेयर से बहुत प्यार करता था, स्टार्टिंग से केयर करता था, बट जब मेरे हेयर गिर रहे थे तो मेरे को बहुत बुरा लगा, क्योंकि जो मेरा लुक कहीं ना कहीं यार देखो हर किसी का लुक होता है किसी चीज़ से, तो जो मेरा लुक था वो मेरा हेयर से था। मैं बहुत ज़्यादा ध्यान भी देता था, स्टार्ट मेरा कहीं ना कहीं इंटरेस्ट मॉडलिंग में था, मतलब मॉडलिंग मेरे को करना अच्छा लगता था। फोटोग्राफ्स, अगर आप फोटोग्राफ मतलब आपको मॉडलिंग फोटोग्राफ्स पसंद है तो आपको अपने ऊपर ध्यान भी देना पड़ता है, आपको पता है आपकी हेयर हर चीज़ आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। बट तो मेरे को काफ़ी हद तक मेरी रिसीडिंग हेयरलाइन की प्रॉब्लम होगी, वो मैंने सारी वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करी है, आप देख सकते हो जाके। तो यार मेरे को कहीं ना कहीं बहुत बुरा लगा, तो डॉक्टर ने बोला नहीं कि यार हेयर के बिना आप रह सकते हो, छोड़ो इस चीज़ को, पहले आप अपना ध्यान दीजिए अपनी बॉडी पर। मैंने कहा चलो ठीक है। अब मैं बहुत सारे डॉक्टर्स पे विजिट कर चुका था, बट कोई मेरे हेयर पे ध्यान नहीं दे रहा था। वो कह रहे थे सबसे पहले आप अपनी बॉडी अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करिए, ऑटोमेटिकली आपके मतलब हेयर सही हो जाएंगे, और चलो वो हेयर नहीं भी सही होते हैं, कम से कम आप सही तो हो जाओगे। तो यार वो कहीं ना कहीं मेरे को बात ट्रिक करती रही। मैंने कहा नहीं, मेरे को यार अपने हेयर सही करने हैं। अब बहुत सारे डॉक्टर्स पे मैंने विजिट किया कि यार मेरे को प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्टली, थोड़ी बहुत लीवर में प्रॉब्लम थी, मतलब इन्फेक्शन था, इंटेस्टाइन में थोड़ा इन्फेक्शन था, तो वो तो एक अलग चीज़ है। तो फिर मैंने काम करना स्टार्ट किया, जिस चीज़ को मैं एक बारी पकड़ लेता हूँ उस चीज़ को जब तक मैं एंड तक नहीं पहुँच जाता, उसकी रीज़न तक नहीं पहुँच पाता, तो मैं बिल्कुल भी चैन से नहीं बैठता हूँ। उसके बाद मैंने एक टॉपिक को पकड़ लिया कि आई विल वर्क ऑन दी टॉपिक ऑफ हेयर, मैं हेयर पे काम करूँगा, मैं देखूँगा कि यार क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे हेयर को फॉल करती हैं, कैसे हम अपने हेयर को दोबारा रिग्रोथ कर सकते हैं। बहुत सारे ब्लॉग्स देखे और बहुत सारे कुछ ऐसे थ्योरीज देखी मैंने इस हेयर की कि जहाँ से एक बार हेयर चला जाता है कि वहाँ पर नहीं आ सकता। तो मतलब मेरे लिए कि ये एक पॉइंट हो गया रिसर्च का, ऐसा नहीं है कि मेरे को मेडिकल लाइन में घुसना था या मेरे को मेडिकल लाइन में जाना था, ऐसा कुछ नहीं था। बस मेरे को इस पर एक विनअप करना था इस चीज़ पे, जो मेरे हेयर फॉल हो रहे हैं मुझे इस पर विनअप करना था, मुझे विक्ट्री पानी थी इस चीज़ पे। उसके बाद मैंने काम करना स्टार्ट किया, तो बहुत सारे योगाज हुए, मतलब डाइट चार्ट की कैसे हम अपने हेयर को इम्प्रूव कर सकते हैं, मतलब मुझे उस चीज़ पे मतलब लग गया, मैं दिन रात लग गया उस काम पे मैं। उसके बाद मेरे को लगा यार एक योगा था, दैट इज़ बालायाम, एक बालायाम योगा है जिससे हमारी जो बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन हाई हो जाता है,
तो मैंने इस पर काम करना स्टार्ट किया। कहीं ना कहीं मैं अपनी डाइट पर भी ध्यान दे रहा था और मैंने मतलब मेडिसिन वगैरह छोड़ दी थी। मुझे अब ये करना था कि मुझे बिल्कुल नेचुरली अपने आप को बिल्कुल फिट करना था, अपने हेयर की जो कंडीशन है उसको सही करना था। अब मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया, बिना सोचे समझे मैंने अपनी रोबोटिक्स को साइड में कर दिया और अब मुझे ध्यान देना था अपने हेयर पे। मेरा सिर्फ एक ही मोटिव था कि मुझे अपने हेयर को सही करना है। और उस टाइम की कंडीशन मेरी कुछ इस तरीके से देख सकते हो आप स्क्रीन पे, बट मुझे बहुत बुरा लगता था। मैंने तकरीबन डेढ़ और दो साल मैंने कैप पहन के रखी। बहुत बुरा लगता था कि यार मैं कैप पहन के मतलब बाहर निकल रहा हूँ, कॉलेज में जा रहा हूँ, मतलब मुझे बहुत बुरा महसूस होता था। बहुत स्ट्रेस भी होता था माइंड में कि यार मुझे अपने हेयर से इतना प्यार था, मेरा जो लुक है वो हेयर से है, बट मेरे हेयर सारे जा चुके हैं। उसके बाद मैंने काम करना स्टार्ट किया और फिर जो हमारी योगा थी बालायाम, मैंने एक प्रॉपर वीडियो रेडी कर दी बालायाम योगा पर मैंने प्रॉपर वीडियो रेडी करी और मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दी। तो मैंने दोबारा कहीं ना कहीं मैं यूट्यूब से जुड़ गया। उस चैनल का नाम था मेरा ड्रीमर हेल्थ गुरु। मुझे लगा चल यार कहीं ना कहीं मैं भले ही चाहे मेरा चैनल ना चले, भले ही चाहे मेरे को अचीवमेंट्स ना मिले, बट मैं जो चैनल रेडी कर रहा हूँ एज अ नेम ऑफ ड्रीमर हेल्थ गुरु, कहीं ना कहीं जो मैं कुछ भी रिसर्च कर रहा हूँ उससे लोगों को हेल्प मिले। तो मैंने काम करना स्टार्ट किया। तो मैंने पहली वीडियो अपनी रेडी करी, दैट इज ऑन द टॉपिक ऑफ हाउ कैन वी रीग्रोथ अवर हेयर बाय द हेल्प ऑफ बालायाम, कि बालायाम योगा से हम अपने हेयर को कैसे रीग्रोथ कर सकते हैं। अब वो मैंने वीडियो अपलोड करी, उसका थंबनेल मतलब जैसा कैसा थंबनेल मुझे पता नहीं था एक्जैक्टली व्हाट्स द मीनिंग ऑफ थंबनेल एंड व्हाट्स द यूज ऑफ थंबनेल, बट मैंने उसको रेडी किया और मैंने उसको अपलोड कर दिया। मैंने पहली वीडियो अपनी अपलोड कर दी अपने चैनल पर। तो पहली वीडियो जब मैंने अपलोड करी तो 50 व्यूज़ मेरी उस वीडियो पर आ गए। मेरे लिए बड़ी अचीवमेंट थी वो, क्योंकि उससे पहले जिस पर मैं चैनल पर काम कर रहा था 40 से ज़्यादा उस पर व्यूज़ नहीं आए थे। तो थंबनेल जो कहीं ना कहीं मैंने इसमें ऐसे ही अपलोड कर दिया, मेरे को नहीं पता था कि थंबनेल का काम क्या है इस वीडियो में। बस मेरे को पता था कि यार थंबनेल जो है एक रीडअप करने के लिए होता है कि किस ये वीडियो किससे रिलेटेड है। जैसे कैसे मैंने इसको रेडी किया, इतनी क्रिएटिविटी नहीं थी मेरी इसमें, तो मैंने इसमें अपलोड कर दिया। उसके जस्ट मैंने अपलोड करने के बाद उसको नहीं देखा उस वीडियो को। आफ्टर 10 डेज मैं देखता हूँ उस वीडियो पे मेरे तकरीबन 200 व्यूज़ मेरे उस वीडियो पर थे। अब मुझे लगा यार, मैंने कहा चलो कहीं ना कहीं तो ग्रो किया यार इस पहले से, तो बहुत ज़्यादा मतलब ग्रो किया है। चैनल का नाम था ध्यान से सुना ड्रीमर हेल्थ गुरु। अब मुझे ये था कि जो भी मैं रिसर्च कर रहा हूँ हेल्थ से रिलेटेड मुझे इस पर अपलोड करनी है। तो अपलोड का सेकंड वीडियो का मेरा कुछ नहीं था मोटिव कि मेरे को अपलोड करना है कुछ भी, बस मेरे को ये था कि भाई जिसको ज़रूरत होगी वो देख लेगा इस वीडियो को। मतलब कुछ ये नहीं था कि यूट्यूब पर ग्रो करना है अब जा, क्योंकि मैं गिव अप कर चुका था। मेरे को ये नहीं पता था कि हाँ मैं इसमें अच्छा बेस्ट कर सकता हूँ। तो अब मैंने नहीं देखा किसी कुछ भी। आफ्टर 3 मंथ्स मैं देखता हूँ यार मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी उसका स्टेटस क्या है, उस वीडियो का स्टेटस क्या है। अब जब मैंने इस वीडियो को ओपन किया तब मैं क्या देखता हूँ, उस वीडियो पर मेरे 3K यानी कि 3000 व्यूज़ थे। अब मैं देखकर शोक, मैंने कहा यार मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ यूट्यूब पर, तब मेरे मतलब 30 से अबव व्यूज़ नहीं आते थे। मेरे लिए यार बहुत एक शोकेबल न्यूज़ थी। मैंने कहा यार 3000 व्यूज़ मतलब मेरे कैसे आ गए यार मतलब। तो मैंने कहा नहीं यार चलो कहीं ना कहीं मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा जो मेरी मतलब नियर अबाउट 2 ईयर्स की जो मेरी मेहनत थी पहले रोबोटिक्स वाले चैनल पर, वो मेरी यहाँ पर काम आई। अब मुझे लगा यार मुझे सेकंड वीडियो भी रेडी करनी चाहिए, जब मेरी फर्स्ट वीडियो अच्छा इंप्रूवमेंट कर रही है तो मेरे को सेकंड वीडियो भी रेडी करनी चाहिए। अब मैंने सेकंड वीडियो रेडी करी उसी टॉपिक से रिलेटेड। अब उस सेकंड वीडियो जो मैंने अपलोड करी वो तकरीबन मेरे जैसे मैंने आज अपलोड करी उसके 4 दिन बाद उस वीडियो पर 800 व्यूज़ थे, और जो पहली वीडियो थी मेरी वायरल हो चुकी थी, कम से कम 15,000 व्यूज़ थे उस वीडियो पर। मेरे को लगा यार मतलब बहुत अंदर से अच्छा फील हुआ। मैंने कहा यार मेहनत तो मैंने इस वीडियो पे करी थी, लेकिन एक यूट्यूब पर ग्रो करने के लिए मेहनत नहीं करी थी, ऐसे ही अपलोड करके कोई किसी को मतलब किसी बंदे को उससे हेल्प हो सके उस वीडियो से, इसलिए मैंने उस योगा की वीडियो अपलोड कर दी थी। अब मैंने सेकंड वीडियो अपलोड करी आफ्टर 4 मंथ्स, हाँ 4 मंथ्स के बाद मैंने वीडियो अपलोड करी वो। अब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करी, फिर नेक्स्ट करी, मैंने लगातार मैंने 6-7 वीडियो करी 15-15 दिन के गैप में, सारी वीडियो वायरल। अब मुझे लगा यार मुझे चैनल पर काम करना है, बट मुझे एज अ ड्रीमर हेल्थ गुरु, जो मैंने ड्रीमर हेल्थ गुरु से नाम दिया था उस चैनल को, मुझे इस पर काम नहीं करना था। मेरा स्टार्टिंग से मॉडलिंग, कुछ नया क्रिएटिव करने में, कुछ नया सीखने में इंटरेस्ट था, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हम कैसे बात कर सकते हैं, कैसे अगले को मतलब कैसे अगले से इंटरेक्ट कर सकते हैं, कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, मुझे इससे रिलेटेड सारी मतलब नॉलेज गेन करने का, मतलब कुछ अट्रैक्टिव करने का था, मतलब कुछ नया करने का जज्बा था। तो मुझे लगा यार ड्रीमर हेल्थ गुरु सूट नहीं कर रहा है नेम,
उसके बाद मैंने चैनल का नेम रखा ड्रीमर आशीष व्लॉग्स। अब ड्रीमर आशीष व्लॉग्स कहीं ना कहीं मैं इंस्पायर भी था अपने सर से, मैंने भी बताया आपको। तो व्लॉग्स मैंने यार मतलब फिर मैंने 7-8 वीडियो रेडी करी व्लॉग्स पर ही, बट उसके बाद मुझे लगा यार व्लॉग्स एक छोटा सा हो गया, मतलब एक छोटी सी कैटेगरी होगी व्लॉग्स हम रेडी कर रहे हैं, मेरे को कुछ बड़ा करना है अपनी कैटेगरी में, जो मेरी कैटेगरी हाउ टू एंड स्टाइल, हाउ टू में कुछ भी हो सकता है, तो मुझे कुछ बड़ा करना है। आफ्टर रिसर्चिंग अ लोड, मतलब पूरी लाइब्रेरी मैंने छान मारी अपनी क्वांटम की, एक्चुअली आई मैंने स्टूडेंट ऑफ क्वांटम यूनिवर्सिटी, तो क्वांटम यूनिवर्सिटी की सारी लाइब्रेरी मैंने छान मारी कि मेरे को यार कुछ ऐसा नेम चाहिए जो ओवरऑल टॉपिक को कवर करता हो। उसके बाद मेरे को एक टॉपिक मिला ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज इन हिंदी वी कॉल परिवर्तन, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी चीज़ का हो सकता है। अगर आपको आप इंग्लिश में अच्छे नहीं हो, अगर आप इंप्रूवमेंट कर रहे हो तो ट्रांसफॉर्मेशन है, आपकी बॉडी अच्छी नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इस टॉपिक से, इस नेम से, आशीष सैनी ट्रांसफॉर्मेशन मैंने अपना फाइनल नेम रखा अपने चैनल का, कि इसमें मैं हर टॉपिक कवर कर सकता हूँ। हम यूट्यूब पे कैसे काम कर सकते हैं वो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है। अभी जो मेरी सारी वीडियोज़ आने वाली हैं, जिस पर मैं काम कर रहा हूँ, जिसमें शूटिंग चल रही है, अभी हमारी टीम काम कर रही है कि हम अपनी बॉडी को कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, अपने हेयर को, अपनी बियर्ड को, अपनी फेस ग्लो को, ग्रूमिंग पे कैसे हम काम कर सकते हैं, अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी पर कैसे काम कर सकते हैं, हाउ कैन वी वियर द क्लोथ्स, हम क्लोथ्स कैसे पहन सकते हैं, हम अट्रैक्टिव कैसे लग सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो इन सब पे काम चल रहा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर ये सारे टॉपिक्स कवर होते हैं। उसके बाद मैंने लास्ट रखा ट्रांसफॉर्मेशन, और मैंने लगातार बिना सोचे समझे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए इसमें चैनल से, बस मुझे काम करना है, अपना पूरा 100% अपना पुट करना है। जितनी भी सारी मैंने इसमें, पहला जो मेरा चैनल था, जो गलतियाँ करी थी टेक्निकल, मैंने उनको सुधारा, अपने थंबनेल को इम्प्रूव किया, मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया। और विद इन सिक्स मंथ के अंदर मेरे चैनल, मतलब मेरे को 15 डेज हो चुके हैं, मतलब जब मेरे चैनल मोनेटाइज हुआ था, तो 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए और 4000 घंटे होने चाहिए अगर आपको अपना चैनल मोनेटाइज करना है। लगातार 6 महीने में मैंने काम करना स्टार्ट किया, और उसके बाद मेरे 5000 घंटे और 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि यार मैं 2 साल पे अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो नहीं कर सका, अपने यूट्यूब चैनल पर मैं अच्छा काम नहीं कर पाया, अच्छा अपना 100% नहीं पुट कर पाया, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मेरी, मुझे यहाँ पे, मैंने यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ किया। और अब मेरा चैनल मोनेटाइज भी है, मैं अच्छे से काम भी कर रहा हूँ, और फर्दर मतलब मेरे को काफ़ी सारे ऑफर्स भी आए, मतलब किसी कंपनीज़ के काम करने के लिए, कंपनीज़ का ऐड रेडी करने के लिए, तो अब कहीं ना कहीं मुझे सेटिस्फेक्शन होता है। तो ये थी मेरी स्टोरी कि कैसे मैं यूट्यूब पे मैंने एंटर किया, कैसे मेरे चैनल का नाम आशीष सैनी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, और कैसे कैसे हमने अचीवमेंट्स को गेन किया। ये फर्स्ट वीडियो जो मेरे चैनल पे फर्स्ट वीडियो थी, उसका भी मैंने आपको लिंक दे दिया, आप जाके देख सकते हो मतलब कैसी वीडियो थी वो, और इस वीडियो ने कहाँ से कहाँ मेरे चैनल को ग्रो करा दिया। आपको कभी भी हार नहीं माननी है, गिव अप नहीं करना किसी चीज़ को। अगर कहीं आपको लगे कि अचीवमेंट्स नहीं मिल रही है, तो आपको अपनी मतलब जो आपका गोल है, आपको गोल नहीं बदलना है, केवल आपको चेंज करना है अपना तरीका काम करने का। तो बस मेरा यही था इस मतलब स्टोरी, अपनी स्टोरी शेयर करने का। तो थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर भी कर देना यार।